सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम निकल चुके हैं पावर लिफ्टिंग नेशनल कंपटीशन के लिए, और हमने ट्रेन से ट्रैवल किया था। वो है रिंकू, मेरे सर, और ये हूँ मैं, जो नहीं दिख रही हूँ, कोई बात नहीं। और फिर हम अजमेर से बॉम्बे रेलवे स्टेशन उतरे थे, और हमने बॉम्बे से वापस अलपुजा के लिए ट्रेन पकड़ी थी। तो काफ़ी हैक्टिक था, काफ़ी परेशान हो गए थे, और रास्ते में लेकिन हमने ट्रैवल ट्रेन से करने का हमें बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे व्यूज़ देखे जो हमने कभी नहीं देखे, इतने ब्यूटीफुल। हमने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पर, और सर के साथ हमने काफ़ी मस्ती की थी। हम सर को बहुत परेशान किया हमने पूरे ट्रैवलिंग में। और फिर हम पहुँच गए अलपुजा केरल, और वहाँ पर हमने हमारा होटल रूम लिया, और फाइनली हमें सुकून मिला। हम बहुत परेशान हो चुके थे 3-4 दिन के ट्रैवलिंग से, और फिर वहाँ का वेदर भी इतना सुंदर था, मतलब थोड़ी देर धूप निकलती थी और बारिश स्टार्ट होती थी, जो रुकने का नाम तक नहीं लेती थी। और जैसे ही हमने होटल पर विज़िट किया, उसके फ्यू मिनट बाद में ही बारिश शुरू हो गई थी वहाँ पर। हम बहुत लकी थे कि हम टाइम पर पहुँच गए और हमें होटल रूम मिल गया वहाँ पर, कि वहाँ पर होटल रूम मिलना बहुत दिक्कत वाला काम हो गया था। कि हमने ऑलरेडी 2 से 3 होटल में हमने विज़िट किया था जहाँ पर हमें रूम नहीं मिले। और फिर नाइट में हम डिनर के लिए बाहर निकले तो भी बारिश हो रही थी, हम तो इतना परेशान हो गए थे जिससे कि चिप 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 चिप, क्योंकि हमें इतना भी वो हैबिट नहीं है दिन भर बारिश बारिश का, क्योंकि अब हम रहते हैं राजस्थान में। और फिर सुबह हम निकले हमारे कॉम्पिटिशन हॉल के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पर पता पड़े कि हमें हॉल वगैरह कहाँ पर है और किस अकॉर्डिंग क्या स्टेज वगैरह प्रिपेयर हुए हैं, तो हमें थोड़ा बहुत पहले ही आइडिया हो जाए। तो उसके लिए हम वहाँ पर गए थे, और मेरी फ्रेंड का भी कंपटीशन था, उसके बाद मेरा था। तो मेरा स्कॉट लगभग जो मैं प्रिपेयर करके आई थी, मैंने वो अच्छे से परफॉर्म किया, मतलब ऑलमोस्ट मेरे से गलती नहीं हुई वहाँ पर। मैं इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि फ़र्स्ट टाइम ये मेरा नेशनल था। और कभी भी हड़बड़ाहट में आप अपने लिफ्ट लेने मत जाओ, क्योंकि ऐसा जब मेरे साथ स्कॉट में हुआ था, वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि अधिकतर ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से आपकी लिफ्ट ख़राब हो जाती है। और बेंच भी मेरी अच्छी गई थी जो मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप वो लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, आपने जो पहले प्रिपेयर किया आप वही परफॉर्म अच्छे से कर सकते हो। आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कि हाँ मैं ये लिफ्ट कर लूँगी कॉम्पिटिशन में, तो इसलिए मैंने सेफ खेला। और मेरी 5th रैंक लगी थी नेशनल में, तो इट्स प्रिटी गुड जो भी था। और हमें काफ़ी नाइट में काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गया था, रात की 1 बज गई थी, और खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो चिकन खा काम चलाना पड़ा था वहाँ पर। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले हमारे बीच के लिए, क्योंकि हमें बीच पे घूमना था, रिंकू और हम कभी बीच पे नहीं गए, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उस चीज़ को लेके, मैं तो कुछ ज़्यादा ही, तो उस चीज़ पे ज़्यादा हंसी होता है। तो फिर हेलो, हम रेडी हुए, कुछ थोड़ा बहुत इतराते हुए, कुछ थोड़ा ठमुक ठमुक करते हुए हम वहाँ पर पहुँचे। और बीच पे जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा कुछ मतलब हुआ नहीं, और मैं बीच पे इतनी बार गिरी कि मेरे घुटने छिल गए थे वहाँ पर, लिटरली इतना गिर गिर के। फिर हम बोट हाउस के लिए निकले वहाँ से, और बोट हाउस का व्यू इतना ब्यूटीफुल व्यू था वहाँ का, मतलब वाव। तो हमने वहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया, और वहाँ पर मुझे तो नींद भी आ गई थी, तो मैं तो बोट पर ही सो गई थी काफ़ी देर के लिए। और उसके बाद ये हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म, हम अजमेर के लिए निकल गए। तो नेशनल कंपटीशन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी प्रिपरेशन करके आऊँगी जिससे मैं अच्छी टफ फाइट दे पाऊँ। क्योंकि नेशनल के आप जितना इजी, कुछ लोग बहुत इजी समझते हैं कि हाँ ये लड़की गई खेल के आ गई, ये वो मेडल जीत गई, बट गेम इतना इजी नहीं होता है जितना आप सोचते हो, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उस अचीवमेंट को पाने के लिए। तो मैं उसी में लगी रहूँगी जब तक मैं मेरा गोल अचीव नहीं कर लेती। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियोस को देखा, सपोर्ट किया, और ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी मेरे कंपटीशन में जहाँ मैं जा रही हूँ और गेम वगैरह खेल रही हूँ, छोटी छोटी डिटेल देती रहूँगी जितने मेरे को नॉलेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।